पहली रेड का इंतजार, प्रदीप नरवाल क्या पहली रेड करने उतरेंगे? दोनों एक साथ मिड लाइन को जाते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं कि सामने की डिफेंस को कम से कम शुरुआत में थोड़ा चौंकाया जाए कि रेड पर आने कौन वाला है। प्रदीप नरवाल गए हैं, अगर शुरुआत अच्छी हुई प्रदीप की तो इसका मतलब मान करके चलिए कि सफर भी सुहाना होगा। और हादी अष्टरुक राइट कॉर्नर खेल रहे हैं, प्रदीप नरवाल ने खाता खोल लिया है, जर्सी नंबर 8 को बाहर किया, यानी खतरनाक गिरीश अर्नाक को बाहर कर दिया लेफ्ट कॉर्नर को। ।166 रेड पॉइंट है सुरेंद्र गिल के, क्या पढ़ेंगे? जी नहीं, रेडर आउट, 1 पॉइंट। हादी आज पूरे फॉर्म में है, डिफेंस अच्छा खेल रहा है गुजरात जायंट्स का। डबल थाइस पर गए, लंबा कद सुरेंद्र गिल का, लोड एम एंड शूट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, ही गेट्स वन, डस ही, इज द बिग क्वेश्चन, सुमित गेट्स, पार्टनर सपोर्ट्स, देयर गोस द मैन, ही स्टिल हैज लाइफ, ही स्टिल बिलीव्स इन हिज स्ट्रेंथ, ही गेट्स इट, डस ही गेट इट, डस ही गेट इट, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, ही डस इट। अब ऑल आउट का मतलब ऑल इन है, तो उनकी ये रेड क्या पॉइंट दिलाएगी? जी बिल्कुल, 1 पॉइंट यूपी ऑफ द नरवाल ने अपने पैर यानी कि हल्की किक के लिए प्रयास किया, डाइव किया यहां पर, 12 पॉइंट्स की लीड है गुजरात जायंट्स के पास। देखें सब्स्टिट्यूट होके आए हैं अजय कुमार, अब क्या होगा यहां पर, क्या ऑल आउट बचा पाएंगे? जी बिल्कुल, कितने पॉइंट, सवाल ये है। अजय हीरो है इस मुकाबले के, न सिर्फ ऑल आउट बचाया, अपनी पूरी टीम को तकरीबन रिवाइव करा लिया, रेडर से 3 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स, सुपर रेड लगा दी यहां प्रदीप ने, क्या जबरदस्त रेडर है अजय थे वहां पर। देखिए सुपर रेड कैसे लगी, चेन आई, चेन तोड़ी अजय कुमार ने। प्रदीप नरवाल लास्ट टाइम अराउंड व्हेन ही केम इन द डिफेंस ऑफ 4, ही सबट्रैक्टेड वन ऑफ देम, विल ही डू दैट येट अगेन, विल ही डू दैट, विल ही गेट 2, विल ही गेट 3, प्रदीप नरवाल कंप्लीटली किल्स द बॉल, 1 2। प्रवेश बैसवाल इस समय बाहर बैठ करके अपनी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदीप नरवाल ने डुबकी लगाने की कोशिश की थी, 1 पॉइंट गुजरात जाए, लेकिन गुजरात का डिफेंस यहां पर दहाड़ गया। द खतरनाक गिरीश अर्नाक, देखे जरा किस तरह से सामने से डुबकी रोकी, ब्लॉक किया प्रदीप नरवाल को, अपना छठा टैकल पॉइंट आज की शाम अपने नाम किया। रणनीति तैयार हो गई है प्रदीप नरवाल के खिलाफ, लेकिन ये भी इतिहास पुरुष हैं प्रो कबड्डी के, और ये कामयाब हो गए, सुनील को बाहर किया, और फासला और कम कर लिया यूपी योद्धा ने। ये मुकाबला अब भी किसी करवट जा सकता है, इसके साथ ही गुजरात ने इस मुकाबले को जीत लिया। ये 19वां मैच था गुजरात जायंट्स का, अब उनके पॉइंट्स हो गए हैं 54।